सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आप मिस ना करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, धार्मिक तथ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि भीम में क्यों और कैसे आया हजार हाथियों का बल। तो आइए जानते हैं। कौरवों का जन्म हस्तिनापुर में हुआ था, जबकि पांचों पांडवों का जन्म वन में हुआ था। पांडवों के जन्म के कुछ वर्ष पश्चात पांडु का निधन हो गया। पांडु की मृत्यु के बाद वन में रहने वाले साधुओं ने विचार किया कि पांडु के पुत्रों और उनकी अस्थि तथा पत्नी को हस्तिनापुर भेज देना ही उचित होगा। इस प्रकार समस्त ऋषिगण हस्तिनापुर आए और उन्होंने पांडु के पुत्रों के जन्म और पांडु की मृत्यु के संबंध में पूरी बात भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र को बताई। भीष्म को जब यह बात पता चली तो उन्होंने कुंती सहित पांचों पांडवों को हस्तिनापुर बुला लिया। हस्तिनापुर में आने के बाद पांडव तथा कौरव साथ ही खेलने लगे। दौड़ने में, निशाना लगाने में तथा कुश्ती आदि सभी खेलों में भीम सभी धृतराष्ट्र के पुत्रों को हरा देता था। भीमसेन कौरवों से जीतने के कारण ही ऐसा करते थे, लेकिन उनके मन में कोई बैर भाव नहीं था। परंतु दुर्योधन के मन में भीम के लिए दुर्भावना पैदा हो गई। तब उसने उचित अवसर मिलते ही भीम को मारने का विचार किया। दुर्योधन ने एक बार खेलने के लिए गंगा तट पर शिविर लगवाया। वहां खाने पीने इत्यादि सभी सुविधाएं भी थी। दुर्योधन ने पांडवों को भी वहां बुलाया। एक दिन मौका पाकर दुर्योधन ने भीम के भोजन में विष मिला दिया। विष के असर से जब भीम अचेत हो गए तो दुर्योधन ने दुशासन के साथ मिलकर भीम को गंगा में डाल दिया। भीम इसी अवस्था में नागलोक पहुंच गए। वहां सांपों ने भीम को खूब डसा, जिसके प्रभाव से भीम के शरीर में जो विष था उसका असर कम हो गया। जब भीम को होश आया तो वे सांपों को मारने लगे। सभी सांप डर कर नागराज वासुकी के पास गए और उन्हें पूरी बात बताई। तब वासुकी स्वयं भीम के पास गए। वासुकी के साथ आर्यक नाग ने भीम को पहचान लिया। आर्यक नाग भीम के नाना का नाना था। वह भीम से बड़े प्रेम से मिले। तब आर्यक नाग ने वासुकी से कहा कि भीम को उन कुंडों का रस पीने की आज्ञा दी जाए जिनमें हजारों हाथियों का बल है। वासुकी ने इसकी आज्ञा दे दी। तब भीम 8 कुंड पीकर एक दिव्य सैया पर सो गए। जब दुर्योधन ने भीम को विष देकर गंगा में फेंक दिया तो उसे बहुत खुशी हुई। शिविर के समाप्त होने पर सभी कौरव व पांडव भीम के बिना ही हस्तिनापुर के लिए निकल गए। पांडवों ने सोचा कि भीम आगे चले गए होंगे। जब सभी हस्तिनापुर पहुंचे तो युधिष्ठिर ने माता कुंती से भीम के बारे में पूछा। तब माता कुंती ने भीम के न लौटने की बात कही। सारी बात जानकर कुंती व्याकुल हो गई। तब उन्होंने विदुर को बुलाया और भीम को ढूंढने के लिए कहा। तब विदुर ने कुंती को सांत्वना दी और सैनिकों को भीम को ढूंढने के लिए भेजा। उधर नागलोक में भीम 8वें दिन रस पच जाने पर जागे। तब सांपों ने भीम को गंगा के बाहर छोड़ दिया। जब भीम सही सलामत हस्तिनापुर पहुंचे तो सभी को बड़ा संतोष हुआ। तब भीम ने माता कुंती व अपने भाइयों के सामने दुर्योधन द्वारा विष देकर गंगा में फेंकने तथा नागलोक में क्या क्या हुआ वह सारी बात बताई। युधिष्ठिर ने भीम से यह बात किसी और को नहीं बताने के लिए कहा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।